कैसी फिल्म है और क्या कह रहे थे? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंटरटेनिंग है। पूरे मूवी के दौरान आपको चेहरे पे हंसी रहती है, मतलब आप कभी भी बोर नहीं होते हो। स्क्रीन पे बहुत ही टाइट है और कॉमेडी पंचेज हर 5 मिनट पे आपको कॉमेडी पंचेज दिखते हैं। ओके, अगर बात करें 1, 2 और ये, तो कौन सी बेस्ट लगी आपको? नहीं, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। हम बेसिकली कैसा होता है, सिक्वल हमेशा बनता है, तो सिक्वल जो ओरिजिनल रहता है उससे ख़राब ही रहता है हमेशा, लेकिन ये सिक्वल बेस्ट है। हाँ, टोटल धमाल, मज़ा आया। एक्टिंग सबका इसमें अच्छा है, अजय देवगन है, माधुरी दीक्षित है या रितेश देशमुख, सबका एक्टिंग बेस्ट है इसमें। 5 में 4, और सबसे बड़ी बात है ये फैमिली मूवी है, एक भी पंचेज आपको डबल मीनिंग वगैरह नहीं है, फैमिली के साथ आराम से इंजॉय करोगे। 5 में 4। एक्सक्यूज मी। ओके, सो हाउ वाज द फिल्म? सो नाइस। एक्चुअली बहुत अच्छी कॉमेडी की है, और स्पेशली माधुरी दीक्षित और क्या है उनका नाम, अनिल कपूर, सो ब्यूटीफुल, एकदम नाइस लग रहे, कॉमेडी अच्छी है उनकी, और सो अच्छा है वो भी, नाइस है। संजय दत्त एक्चुअली जो पहला वाला धमाल है वो भी अच्छी थी, लेकिन ये एक्चुअली संजय दत्त इसमें थोड़ा आना चाहिए था, वो भी अच्छे है, लेकिन अपना अजय देवगन ने भी अच्छी कॉमेडी की है, वो भी नाइस है एकदम कड़क। कितना? 5 में से 5 स्टार दे दूंगा मैं। कलेक्शन कितना करेगी सर? ये नॉर्मल है, सब मस्त था, अच्छा था, फुल कॉमेडी था, फुल एंजॉय किया है, टोटली फुल धमाल था, फुल धमाल, हर स्टेप पे, हर स्टेप पे, एक एक स्टेप पे धमाल था, लेकिन मेरा हंसते हंसते पेट दुख रहा था, बहुत फुल फुल, बहुत बहुत मस्त था, बहुत मस्त था। सीक्वल हमेशा बोरिंग कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में क्या कहना? नॉर्मल सब, ज्यादा ऐसा लग रहा था कि कॉपी किया हुआ है कुछ स्टेप, जस्ट एग्जांपल वो पैसे के पीछे भागना, तो नॉर्मल लग रहा था कॉपी के, बट फिर भी ठीक था, वन टाइम तक देखने लगा। माधुरी दीक्षित का जो एक्टिंग था वो बहुत बेस्ट था, बहुत अच्छा था, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि उनका जो डायलॉग था और उनका जो मतलब स्टाइल्स, दैट इज वेरी गुड था, बहुत अच्छा था। डायरेक्शन के बारे में क्या? जी, डायरेक्शन के बारे में उनका जो बोलने का स्टाइल था और उनका जो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का जो डाइवर्स का रिलेशन था, दैट इज वेरी गुड था, बहुत अच्छा। 5 में से तो 4 स्टार तो है ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाय। ओके, सो टोटल धमाल देख के आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? टोटल धमाल इज टोटल एंटरटेनमेंट, टोटल पैसा वसूल मूवी, बहुत मज़ा आया। इट वॉज सच यू नो प्लेजर टू वॉच अनिल एंड माधुरी जी आफ्टर 18 ईयर्स, तो एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ एक ग्लैमर आ गया वो दोनों को देख के, इतने लोग बिल्कुल लोटपोट हो गए हंस हंस के, और तालियों की घड़घड़ाहट हर सीन में, जहाँ भी अनिल और माधुरी जी आ रहे हैं लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। नॉट रियली, आई थिंक ये जो इंस्टॉलमेंट है ये बहुत अलग है, क्योंकि इंद्र कुमार डायरेक्टर हैं, तो उनकी फिल्म में कुछ ना कुछ कॉमेडी हो या ड्रामा हो या रोमांटिक मूवी हो, कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टर होता है, और ये मूवी में ये है कि VFX की इतनी बुराई हुई थी, लेकिन वो इट ओवरराइड्स एवरीथिंग, द एंटरटेनमेंट वैल्यू इज सो हाई, ऑल द शोज आर रनिंग हाउसफुल एंड पीपल आर इन्जॉइंग इट, लाइक यू नो इतना लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए, बहुत ही अच्छी है। इवन दो एग्जीक्यूशन और बेटर हो सकता था, लेकिन आई थिंक अनिल और माधुरी जी आ गए मूवी में तो पूरा पैसा वसूल मूवी है। ओके, सीक्वल हमेशा बोला जाता है कि हमारे इंडिया में बोरिंग हो जाता है, तो ये कहीं से बोरिंग है? ये बहुत ही अलग तरह का सीक्वल है, बट ये है कि इंद्र कुमार जी अनिल और माधुरी जी को एक साथ ले आए, एक तरफ अजय देवगन और संजय मिश्रा है, एक तरफ रितेश देशमुख है, एक तरफ जावेद जाफी और अरशद वसी, और इतने कॉमेडी पंचेस और इतने जोक्स के लोग हंस हंस के, मतलब जैसे मैंने कहा लोटपोट हो गए। ओके, 4 stars, 1 star for Madhuri Dixit. She is so beautiful. Thank you so much. एकदम झक्कास मूवी है, माइंड ब्लोइंग मूवी है, पैसा वसूल मूवी है, प्लीज़ देखिए, मुंबई के भाषा में रपचिक मूवी है, तो प्लीज़ वॉच ऑन थिएटर, पायरेसी रोकिए प्लीज़, और थिएटर में आके मूवी देखिए, बहुत अच्छा मूवी है, अनलिमिटेड कॉमेडी है, इंद्र कुमार की रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी बनाते हैं, कॉमेडी मूवी जो बनाते हैं वो। और नहीं, कॉमेडी मूवी कभी बोरिंग नहीं होती, ये पहले से भी बहुत बेटर है। ओके, अनिल कपूर और
केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, थोड़ा झगड़ेलू केमिस्ट्री है लेकिन बहुत अच्छा है केमिस्ट्री। शायद बेटा आया था धक धक गर्ल और उन दोनों की जोड़ी बहुत दिन बाद पर्दे पर देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। कॉमेडी पहली बार कॉमेडी कर रहे हैं माधुरी दीक्षित, बहुत अच्छा लगा। 5 out of 5 थैंक यू। ओके सो टोटल धमाल देखकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी? अच्छा है फिल्म, कॉमेडी है, अच्छा है, एक्शन वगैरह भी है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर आए, बहुत अच्छा लगा और अच्छा है, कॉमेडीज वगैरह भी है और पंच डायलॉग्स भी अच्छे हैं कंपेयर टू मतलब अदर पार्ट्स, ये पार्ट्स अच्छे लगे। ओके सीक्वल हमेशा बोरिंग कहा जाता है इंडिया में, तो कहीं से बोर हुआ आप? नो नो बोरिंग नहीं, इट्स ओके, वन टाइम वॉच, इट इज वेरी गुड। ओके केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित? अच्छा आफ्टर लॉन्ग टाइम आए बट अच्छा है, मतलब कैचअप किया उन लोग ने, एक्टिंग्स वगैरह बहुत अच्छा किया। ओके क्या फिल्म में ज्यादा अच्छा लगा आपको? कॉमेडीज वगैरह अच्छे लगा और लास्ट में इमोशनल था वो भी अच्छा लगा, कि मतलब सेव एनिमल वन काइंड ऑफ मैसेजेस है, इट इज़ वेरी गुड। 4 फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है, एंजॉय भी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम माधुरी दीक्षित मुझे मिली, उसे भी बहुत एंटरटेनमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा कॉमेडी अजय देवगन की अच्छी लगी, सबकी सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके अगर बात करें तो कहीं पर बोरिंग ऐसा? नो नो ऐसा नो फील। ओके अब बहुत अच्छा लगा मूवी, कोशिश करेंगे। 4 star अरे देखिए मैं अपनी राय देने से पहले सबसे पहली बात ये कहूँगा कि ये सिर्फ मेरी पर्सनल अपनी विचारधारा है, अपनी राय है। फिल्म देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ फिल्म को बहुत ही बेहतरीन बनाया जा सकता था, एक औसत कॉमेडी से आप बहुत ऊपर उठा सकते थे, आपके पास मल्टी स्टारर का सहयोग था, आपके पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन दिमाग थे, लेकिन आपने जितने पैसे अपने स्टार लाने में इतने खर्च किए, थोड़े से पैसे, थोड़ा सा दिमाग, मतलब पैसे तो छोटी बात बोल दी मैंने, थोड़ा सा और दिमाग खर्च करते, थोड़ा और टैलेंट, इंडस्ट्री में इतने अलग अलग टैलेंट, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स आ रहे, इतने अच्छे अच्छे कॉमेडी, उनको इस्तेमाल करते, कॉमेडी सीन्स जो हैं, कॉमेडी चुटकुले कम से कम नए नए डाल देते। इतना अच्छा माधुरी और अनिल जी की जोड़ी है, उनमें नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के जो चुटकुले चलते हैं, थोड़ा सा और यूनिक एक्सपेरिमेंट होते उसमें तो अच्छा लगता। ये जी 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 केमिस्ट्री अच्छी है ना, वही बोलो केमिस्ट्री अच्छी है पर ये एक्सपेरिमेंट गलत हुआ, मतलब केमिस्ट्री के साथ अगर डायलॉग भी और प्यारे होते तो और मजा आ जाता ऑल टाइम। हाँ बिल्कुल, सीक्वल बनाया उन्होंने तो ठीक वही कॉन्सेप्ट की, एक व्यक्ति मरेगा वो राज बताएगा फिर आप ढूंढने जाओगे, समझ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट बना देना चाहिए ना, तो अब नाम दिया है तो इसका मतलब क्या कहानी वही होनी चाहिए क्या, ये कहाँ लिखा है? हाँ आप सीक्वल बना रहे हो तो थोड़ी सी जैसे जुड़वा बनाई उन्होंने, कहानी वही थी लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा लगा। लेकिन इसमें कहानी भी वही है और डायलॉग्स भी बहुत बोरिंग हैं, हमें लगता है कि वही डायलॉग रख देते, नए एक्ट्रेस ला देते जब उन्हें यही करना था तो। हाँ ये था, हाँ डायलॉग्स मुझे आदि और मानो के अच्छे लगे, आदि और मानो मेरे इसमें बहुत फेवरेट रहे, सबसे बेहतरीन आकर्षण का केंद्र वही बनते हैं आदि और मानो, वो दोनों भाइयों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब अंत तक वही एक बीच बीच में आके थोड़ा सा बोलते भाई उठो मत अभी हम हैं, ऐसा है। दोबारा यार समय नहीं हो पाएगा इसके लिए। हाँ मैं 1.5 शुक्रिया।
रहे हैं, ये क्या कर रहा है?